हेलो ऑल ऑफ यू, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ था। ओके, ये आरटीपी मई 2019 का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ शाह लिमिटेड कंपनी विच इज इन द हैंड्स ऑफ अ लिक्विडेटर। बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2017। शेयर कैपिटल 1006%, प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each fully paid, 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each fully paid, 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each, ₹75 paid up, loan from bank on security of stock. What does it mean on security of stock? हमने जो बैंक से लोन लिए सिक्योरिटी पे क्या स्टॉक है, तो वो इन्वेंट्री। ओके, इन्वेंट्री वर्ड यहाँ पे यूज किया, इन्वेंट्री। सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक इज इन्वेंट्री। तो ये आपका सिक्योर्ड रहेगा। तो जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे देखो लोन कितने का था, 1 लाख का। यहाँ पे इन्वेंट्री 1,20,000 की, लेकिन वो बिकेंगी कितने में, कुछ वैल्यू दी 1,10,000 रुपए में। तो 1,10,000 रुपए की एसेट जो बिकेंगी वो अपनी लाइबिलिटी एडजस्ट करेंगे 1,10,000 क्या हो जाएगा हमारा, फिर वो आउटर कॉलम पे आएगा। ओके, नाउ ट्रेड पेएबल, दिस इज ट्रेड पेएबल। ओके, एसेट साइड फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, बुक डेप्ट, कैश इन हैंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द एसेट रियलाइज द फॉलोइंग अमाउंट आफ्टर ऑल कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन एंड लिक्विडिटर्स कमीशन अमाउंटेड टू ₹5,000 पेड आउट ऑफ कैश इन हैंड। ना उसने बताया कितने एसेट, फिक्स्ड एसेट 1,68,000, इन्वेंट्री 1,10,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,30,000। Calls on partly paid share were made, but the amount due on 200 share were found to be irrecoverable. तो हमने partly paid up shares कुछ थे क्या, हाँ ये जो 2000 शेयर्स थे, 100 रुपए का एक था, 100 फुल्ली पेड अप थे, मगर ये 2000 के जो 100 रुपए के शेयर थे 75 ही पेड अप थे। तो आपने कॉल बुलाया, देखो बोला उसने यहाँ पे कॉल ऑन पार्टली शेयर, पार्टली पेड शेयर्स वेयर मेड। आपने कॉल ऑन शेयर्स बुलाया आपने, मगर 200 शेयर्स पे वेयर फाउंड टू बी इरिकवरेबल। वो इरिकवरेबल, वो ट्रेस नहीं हो पाते कौन है, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, या वो दिए नहीं उन्हें, तो हमारे पास 200 शेयर पे पैसा नहीं आएगा। तो कितने शेयर्स पे आएगा बेटा, 2000 में से 200 पे नहीं आया, पहले भी ऐसा क्वेश्चन एक आया है, 2000 पे 200 पे नहीं आया, तो कितने पे आया, 1800 शेयर्स पे आया है। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमको एसेट रियलाइज द फॉलोइंग आफ्टर ऑल कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन एंड लिक्विडिटर्स कमीशन अमाउंटेड ₹5,000 पेड आउट ऑफ द कैश इन हैंड। तो आपके पास कुछ कैश इन हैंड है, उसमें से आपने कुछ पे करे, कह रहे इनडायरेक्टली आपको कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और कमीशन जो आपने लिक्विडेटर को दी वो 5000 है, वो ओपनिंग बैलेंस में से पे किए। तो कोई दिक्कत, कहीं से भी पे करो, आपने 5000 पे करो और ये एसेट आपकी ऐसे ही बिकी है। ओके, तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तब हम शुरू करते, डेट हमको कोई दी हुई है यहाँ पे, डेट हमको जो 31 मार्च 2017। ओके, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ शाह लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ओके, एज ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है, इसको आप 15 लाइन का राउंड ड्रॉ कर लीजिए। रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। ओके, अब आप वहां पे इसको अराउंड 15 लाइंस का ड्रॉ करेंगे बेटा। ओके, किया आपने टू ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हमको दिया है वहाँ पे कैश का, कितना बैलेंस दिया है क्वेश्चन में दिया है 40,000 रुपीज़। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड में टू एसेट रियलाइज, फिर हमने एसेट बेचे, टू एसेट रियलाइज प्लेज्ड एसेट माइनस सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब देखो यार बेटा आपने जो ये बोल रहा है आपको लोन फ्रॉम बैंक ऑन सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक आपने बेचे कितने में 1,10,000, तो स्टॉक बेचने पे आपके आए 1,10,000, लेकिन वो लोन कितने का था हमारा 1,00,000 का, तो आप वो लोन उसमें एडजस्ट कर लो भाई, एसेट बिकी आप अपना अमाउंट उसमें से डिडक्ट करे, बचा हुआ हमको दे दो, बचा कितना 10,000। तो याद है क्वेश्चन हमने देखे थे जब ये अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो रिमेनिंग अमाउंट को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मानते, तो इसमें ऐसा हुआ नहीं, एसेट बिकी 1,10,000 की, 1,00,000 सिक्योर्ड क्रेडिटर था, 10,000 बच गए। नाउ अदर एसेट, अब अदर एसेट में हमको उसने कहा है वहां पे फिक्स एसेट 1,68,000, फिक्स एसेट 1,68,000, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 2,30,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,30,000 टोटल 1,68,000 प्लस 2,30,000 दैट्स कम 3,98,000, 3,98,000। ओके, अब उसने इस क्वेश्चन में बोल दिया पहले वो आखिरी तक पैसा कम जा रहा है वो सब बात की बात है, उसने पहले ही बोल दिया कि आपने पैसा बुलाए, कॉल्स ऑन पार्टी पेड शेयर्स वेयर मेड बट द अमाउंट ड्यू ऑन 200 शेयर्स वेयर फाउंड टू बी इरिकवरेबल, मतलब 200 शेयर पे नहीं आए। अब ये तो बेटा फुल्ली पेड अप थे, 2000 शेयर थे 100 रुपए का था, फुल्ली पेड अप था, ये 2000 शेयर थे 100 रुपए का था, 75 रुपए पेड अप है, मतलब आपको 25 रुपीज आपने बुलाए, लेकिन 2000 में से 200 शेयर पे नहीं आया तो कितने पे आए 1800 पे, ये आप लिखो है फाइनल कॉल, पैसा आया 1800 शेयर 25 रुपए एक पे, ये आपका 45,000। ओके, अभी अपने पास रिसिप्ट होगी, अब अपने को क्या करना है पेमेंट बाय लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन, अब उसने मिला के इस क्वेश्चन में बोला रेम्यूनरेशन एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, दोनों की फिगर मिला के दिया उसने, ये टोटल कितना खर्चा हुआ 5,000 रुपए का। ओके, सो लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस, अब उसके बाद बाय लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन हुआ, फिर एक्सपेंस हुआ लिक्विडेशन, और फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, क्या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है क्या बेटा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बारे में देखते क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमको। अब हमने देखी ये एसेट्स तो हमारी बिक गई, कैश हमने मालिक लिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कोई है क्या नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी है, लोन और ये आपका ट्रेड पेबल, तो 7 आइटम टू रिमेंबर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं दिया, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कुछ भी नहीं है। फिर बाय डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, कोई है ऐसा क्वेश्चन में, डिबेंचर होल्डर भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बेटा बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन से, ये तो सिक्योर्ड है ना, ये तो सिक्योर्ड है आपने मां, ये अनसिक्योर्ड 3,50,000, 3,50,000। अच्छा, अब यहाँ पे पूरा एडजस्ट हो गया सिक्योर्ड क्रेडिटर, सपोज ये 1,20,000 रहता बेटा, ये 1,50,000 रहता सपोज ये, तो यहाँ पे एक 10 ही एडजस्ट होता, रिमेनिंग 40 फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ऐड होता, लेकिन यहाँ पूरा एडजस्ट हो गया तो कुछ भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वहां से नहीं आ रहा है। उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नंबर बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कितने कुछ भी इसमें डिविडेंड अरियस नहीं कहा बेटा उसने। अब देखो यहाँ पे उसने के 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज फुल्ली पेड। अब डिविडेंड्स अरियस कुछ बोला नहीं है तो वो पे करा होगा उसने, इसलिए नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, 1 लाख ओके। उसके बाद नंबर आता है बाय इक्विटी शेयर होल्डर। अब इस कैलकुलेशन को समझना, मेरे पास क्या इक्विटी शेयर होल्डर कितने आए थे यहाँ पे? इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे ये 2 लाख और 1,50,000। देखो लो फंड अवेलेबल है क्या उतना अपने पास, फंड भी तो अवेलेबल होना चाहिए ना। तो 40,000 प्लस 10,000 प्लस 3,98,000 प्लस 45,000, तो फंड अवेलेबल है वो है 4,93,000 माइनस 5,000 माइनस 3,50,000 माइनस 1,00,000। तो फंड कितना अवेलेबल है मेरे पास? 38,000 सिर्फ है। लेकिन क्या इक्विटी शेयर होल्डर कितने यहाँ पे बेटा? 1 लाख ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, 1,50,000 और ये 2 लाख है। तो फंड उतना अवेलेबल अपने पास नहीं है बेटा। ठीक है, तो अब अपन कैलकुलेशन पे आते कि लॉस पर शेयर निकालना पड़ेगा, कितना फंड अवेलेबल नहीं है। सो वर्किंग नोट, इसके बाद आप स्पेस रखेंगे 3-4 लाइन का बस। ओके, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ लॉस पर इक्विटी शेयर, लॉस पर ये से पर इक्विटी शेयर इक्वल्स टू टोटल। ओके, टोटल पेड अप कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल माइनस कैश अवेलेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी थोड़ा कैलकुलेशन समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है, मेरी बात पहले समझना बेटा फिर लिखना आपने। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ओके ओके, अब ध्यान से सुनो। अभी क्या हुआ बेटा यहाँ पे कि मैंने कहा यहाँ पे कि भाई टोटल पेड अप कैपिटल कितना है। अब समझने वाली बात है, पहले नंबर ऑफ शेयर्स मेरे को बताओ। नंबर ऑफ शेयर्स मैंने बोला सर ये 2000 नंबर ऑफ शेयर्स थे, अब ये भी 2000 है, तो टोटल कितने? 4000 नंबर ऑफ शेयर्स है। अब मैंने पैसा तो बुलाया बेटा इसमें, है ना, लेकिन कैसा हो रहा है कि वो 200 शेयर्स इररिकवरेबल है। 200 शेयर्स क्या बेटा? इररिकवरेबल है। अब इररिकवरेबल है तो मैं ऐसा कहूंगा कि सर यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे ही कि ये 2000 शेयर्स पहले के थे बेटा, फिर आपने और 2000 शेयर थे, लेकिन मैं यहाँ 1800 लिख रहा हूँ। अब मेरी बात पहले अच्छे से समझना बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100 किया मैंने, तब आप मेरे को बोलेंगे सर 2000 शेयर्स थे प्लस 1800 करे। आपने 2000 क्यों नहीं करे? पहली बात तो 200 शेयर पे आपको पूरा पैसा आया ही नहीं है। कितने शेयर्स पे पूरा पैसा आया? वो 2000 में से सिर्फ कितने शेयर्स पे आया? 1800 पे आया। तो भाई अब मल्टीप्लाई बाय 100 इतना था, माइनस कैश कितना अवेलेबल है? 38,000। तो कैलकुलेशन के पहले समझना, तो शायद आप ये कह सकते, ये सोच सकते सर कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 3,800। तो वो 200 का क्या, वो 200 का मैंने ऊपर भी पेड अप नहीं लिखा। आप ये सोच सकते सर वो 200 शेयर्स जो थे उन्होंने, हम मानते कि 25 रुपीज पे नहीं करे हमने, हमको 100 में से कितना नहीं पे करे? 25 पे नहीं करे क्योंकि इररिकवरेबल हो रहा था। मगर 25 पे नहीं करे, 75 तो पे करे, लेकिन मैंने वहां पे वो भी नहीं लिखा। मैंने बोले 2000 शेयर्स के 100 रुपीज पेड अप था और ये आपके 1800 शेयर भी फुल्ली पेड अप हो गए थे, क्योंकि 25 रुपए देखो यहाँ पे अपने बुलाए ना 1800 पे, तो ये भी फुल्ली पेड अप हो गए थे। तो ये फुल्ली पेड अप है, लेकिन क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि वो जो 200 शेयर्स थे, हम मानते कि 100 रुपए नहीं दिए, लेकिन 75 तो उन्होंने पे करे। अब कैसा हो रहा है बेटा? 75 उन्होंने पे यहाँ पे करे, वो इररिकवरेबल है। मतलब ऐसा भी हो सकता है मैं यहाँ लॉस पर शेयर नहीं, वो 200 शेयर्स अगर मैं कंसिडर करूँ, लॉस पर शेयर आया, अब लॉस पर शेयर को यहाँ कैलकुलेट करूँ, तो मैं कैलकुलेट करूँ तो फिर वो 200 से भी, फिर जरूरी नहीं है कि हमेशा रिफंड होगा। कोई क्वेश्चन में कॉल भी आ सकता है कि लॉस पर शेयर आपका पेडअप से ज्यादा, सपोज पेडअप हुआ 50, सपोज यहाँ पे पेडअप है 75, वो वाले ने जो 100 में 75 पे करे, लेकिन अगर आपका लॉस पर शेयर आ गया 90, तो 15 रुपये उनसे बुलाना पड़ेगा। वो तो इररिकवरेबल और ट्रेस ही नहीं हो रहे, वो लोग ट्रेस ही नहीं हो रहे, तो उनसे पैसा तो बुला भी नहीं सकते अगर कॉल आया तो। इसीलिए बेटा सिर्फ यहाँ पे हम कैलकुलेशन किनका करेंगे, जो शेयर्स हमारे ट्रेस करे हुए, जो इरिकवरेबल मतलब वो मिल ही नहीं रहे वो लोग, तो हम हिसाब किताब करेंगे जो हमारे ट्रेस करे, जिन लोग के बारे में हमको पता है, जिनसे हम रिफंड और कॉल कर सकते। तो कितने शेयर है 2000 और 1800, 200 के बारे में कुछ पता नहीं, तो टोटल शेयर होते हैं आपके 3800। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया 2000 प्लस 1800 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 38,000, तो कितना आ रहा है 3,800। तो लॉस पर शेयर देखो है 90 रुपये। अब आप मेरे को बताइए बेटा 90 रुपये आया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक सेकेंड रुकना 2000 कैलकुलेशन करना, तो मल्टीप्लाई बाई 100 3,80,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 75 माइनस 38,000 डिवाइडेड बाय। अभी आपको ये मेरा आया, मैं हिसाब किताब इनमें ही कर रहा हूँ ₹90। अभी ना आप इतना लिखो, मैं आपको क्रॉस चेक करके पता वो भी बताता हूँ कि 200 को मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ पे। वो 200 से मेरे को कोई मतलब ही नहीं, उनसे कोई हिसाब किताब ही नहीं करना। अच्छा इनसे 1800 से क्यों मल्टीप्लाई 100 करें, क्योंकि फुल्ली पेड अप हो गया। अब वो 200 के बारे में बात क्यों नहीं करें, मैं आपको उसका लॉजिक भी बताऊंगा। नीचे पहले आप टेबल बनाओ, ठीक है। अब ये लॉस पर शेयर आया 90। अब दूसरा टेबल ऑफ कॉल और रिफंड कैलकुलेशन। तो ये आपका आ गया यहाँ पे टाइप फेस वैल्यू पेड अप लॉस कॉल रिफंड नंबर ऑफ शेयर्स टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स और टोटल। अब दो कैटेगरी बेटा ए और बी, पहली कैटेगरी में कितने 2000, दूसरी कैटेगरी में कितने फेस वैल्यू लिखना, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखना, फेस वैल्यू दोनों की 100, 100, ठीक है 100, 100। अब बताओ पेड अप कितना है, ये 100 तो इसमें दिया है फुल, ये भी फुल्ली पेड अप हो गए, ठीक है। लॉस पर शेयर कितना बेयर करना है 90, 90। तो मैं तो बोलूंगा 100 रुपये पे करे, 90 आपको बेयर करना है, तो 10 में आपको रिफंड कर दूंगा। फिर मैं आपको 100 आपने मेरे को पे करे, 90 में लॉस उसमें से माइनस करूंगा, तो 10 में आपको रिफंड कर दूंगा। यहाँ पे 2000 शेयर है, यहाँ पे 1800 शेयर है। 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 2000, 1800 मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं, दिस इज 20,000 सर, ये दिस विल कम 18,000, सो टोटल विल कम हियर 38,000। तो कैश अवेलेबल कितना 38,000, ठीक है, ओके। अब आप समझो ये चीज को बेटा, ठीक है। अगर मान लो, अब मैं कोई और चीज आपको बता रहा हूँ, अगर मैं मान लो वहां पे कहता कैलकुलेशन, अब मैं कोई और एंगल से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया कोई, यहाँ पे इतना खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये कर लिखना नहीं है आपको, मैं समझाने के लिए वैसे आपको बता रहा हूँ। और कैलकुलेशन मैं आपसे कहता हूँ, अगर ये कैलकुलेशन करता सर ये 2000 शेयर्स थे प्लस ये 1800 ये शेयर्स थे, इन्होंने 100 रुपये पे करे, ठीक है, प्लस ये का अलग हो गए, ठीक है, प्लस 200 शेयर्स ऐसे जिन्होंने 75 पे करे, सही है। 200 शेयर्स ऐसे कि इन्होंने कितना पे करे 75। मैं अगर डिवाइड करूं यहाँ पे, ये 4000 शेयर्स टोटल हो गए, कैश अवेलेबल 38,000 है। तो देखो लॉस पर शेयर कितना, अगर वो 200 भी कंसिडर करूँ, 2000 प्लस 1800 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर उसके बाद 200 मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है, माइनस 38,000 इज कैश अवेलेबल डिवाइडेड बाय 4,000। तो यहाँ पे लॉस पर शेयर आएगा 89.25 आएगा ना बेटा, सही है, ठीक है। अब मैंने कंसीडर कर भी लिया, चलो 200 को मतलब चलो 75 पे करे। अब मैंने बोला भाई उन्होंने अभी थर्ड कैटेगरी और एक आ जाती है यहाँ पे थर्ड, अभी यहाँ पे लॉस पर शेयर, फिर इसके हिसाब से कैलकुलेशन चेंज हो जाता बेटा। कैसे चेंज होता, फिर यहाँ पे लॉस पर शेयर 89.25, तो रिफंड भी वहाँ पे ज्यादा आता था। अब मैं सपोज रिफंड ज्यादा भी आता था बेटा, अब आप लॉजिकली खुद रिफंड ज्यादा आता था, मतलब देखो मैं आपको वैसे भी करके बताता हूँ, ठीक है, ये करे आपने, ये तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको, रुको। मैं कहता लॉस पर शेयर अगर ये 2000 है प्लस ये 1800, ठीक है, इनने 100 रुपये पे करे, ये एक हो गया, प्लस मैंने बोला सर वो 200 शेयर्स जो थे उन्होंने 75 तो पे करे, सही है, फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मेरे 4000 है, यहाँ पे मैं माइनस करूँगा 38,000 कैश अवेलेबल है, मैंने बोला यहाँ पर 89.25 लॉस पर शेयर आ रहा है, ठीक है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैंने बोला यहाँ पे, ये लिखना नहीं है बेटा, समझाने बस लिख कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने बोला 3 कैटेगरी बनाओ A, B, C, ठीक है, इसकी फेस वैल्यू 100, 100, 100, ठीक है, इसका पेड अप था 100, 100 और इनने 75 पे करे, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पे लॉस पर शेयर 89.25, 89.25 और 89.25, ये कॉल और ये रिफंड। अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको। अब ये यहाँ पे मैंने बोला भाई 100 रुपए आपने पे करे, मैंने आपको बोला लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा 89.25, सो 100 माइनस 89.25 कितना आता है, मैंने बोला आपको मैं 10.75 पर शेयर मेरे को देना पड़ेगा, आपके 2000 शेयर, फिर यहाँ पे भी आपका वही आएगा 10.75, आपके ये 1800 शेयर यहाँ पे आ रहे। मगर मैंने बोला भाई साहब यहाँ पर आपकी फेस वैल्यू इतनी थी, आपने पेड अप इतना था, तो मैं बोलूँगा आपको थर्ड कैटेगरी जो फुल्ली पेड अप नहीं हुए थे, तो 100 रुपये का शेयर था, अब आपने उसमें से 75 पे करे, मगर आपको बेयर कितना करना लॉस 89.25, तो मैंने बोला 75 माइनस 89.25, तो आपको ज़्यादा बेयर करना है, तो मैंने बोला मैं तो आपसे कॉल करूंगा, कितना कॉल करूंगा, आपसे बुलाना पड़ेगा, 75 आपने दिया, आपको लॉस बेयर करना 89.25, तो मैं आपसे बुलाऊंगा 14.25, तो यहाँ पे ये 200 शेयर, आप समझना है कैलकुलेशन, तो 10.75 मल्टीप्लाई बाय 2000, 2000 मल्टीप्लाई बाय 10.75, यह आपका 21,500, फिर इसके बाद 10.75 मल्टीप्लाई बाय 1800, यह आया आपका 19,350, तब आप दोनों की टोटल करो कितनी हो रही, वो आएंगी आपकी 40,850, बोलेंगे सर 38,000 है, 40,850 कैसे बांटेंगे, इससे कॉल है ना बेटा, इससे पैसा बुलाएंगे अपन, इससे पैसा बुलाऊंगा मैं, तो 14.25 मल्टीप्लाई बाय 200, इससे पैसा बुलाऊंगा 2850, तो यहाँ पे बराबर 38,000 आएगा, इतना देना इतना आएगा मेरे को। अब मेरे को बताओ क्या ये पॉसिबल है कि बेटा कि ये जो है इसको बोला मैंने चलो तुमको इतना बेयर करना है पैसा दो, ये जो 200 शेयर है ये तो इररिकवरेबल है ना, ये तो इररिकवरेबल है, बोला क्वेश्चन में इररिकवर, उनसे पैसा कुछ आने वाला नहीं है, तो मैं कहां से कॉल बुलाऊं उनको, तो उनको इसलिए उनको अपन ने कंसिडर ही नहीं करे, अभी कहां से कॉल बुलाएंगे बेटा उनसे, क्योंकि बोला इररिकवरेबल है, तो मैंने बोला भाई इतना पे करो, इतना आपको लॉस बेयर करना, 14.25 आपसे कॉल है, 2 मैंने बोला कॉल, तो वो कॉल हमको दे रहे क्या बेटा, यहाँ पे नहीं दे रहे हो, तो कॉल तो हमको दे नहीं रहे, वो पैसा बुला रहे, जब वो दे ही नहीं रहे, तो फिर मैं 2850 आने ही नहीं वाला, उनसे कोई पैसा आने ही नहीं वाला, तो उनको इसलिए हटा दिया गया और कैलकुलेशन सिर्फ किस पे करा गया, 3800 पे, ठीक है। अब क्या होता है, इंस्टीट्यूट ने आपके ऐसा वो करती भी नहीं हो, प्लस माइनस करती हो, आपको समझ में भी नहीं आएगा वैसा, लेकिन ये मेरा, मैं तो टीचर हूँ, मेरा काम है बेटा बताना, ये आपका इस तरीके से आपको करना, तो इसलिए हमने सिग्मा कितने शेयर्स के बारे में 3800, क्योंकि इनसे बुलाना है और वो कोई पैसा हमसे आने वाला उनसे नहीं है, तो बेचारा बेसिकली उनसे कोई पैसा आने वाला है, अगर वो पैसा हमको दे देते तो ये दोनों को तो ज़्यादा पैसा जाता ना, इन दोनों को कितना जाता, फिर 21,500 प्लस 19,350, तो इनको तो 40,850 जाता और 2,850 उनसे आते, तो बराबर अपने नेट 38,000 अपने मेरे पास अब 38,000 है, उनसे मैं 2,850 बुलाता तो वो हो जाते 40,850 और मैं ऊपर वाले जो 2 हैं उनको दे देता, लेकिन उससे आएगा ही नहीं, तो मैं दूंगा कहाँ से, तो उनसे उससे 2,850 आने ही नहीं वाला, बोल दिया क्वेश्चन में, तो 2,850 आएगा ही नहीं, तो जो 38,000 बचा वही मैं आपको दूंगा बेटा, तो उसमें इसको मैं कंसिडर ही नहीं करूँगा, इससे एक तो लेना है वो तो दे नहीं रहा, तो इसको देने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो सिर्फ अपन यहाँ पे किसकी बात करेंगे, सिर्फ इन दोनों की, तो इतना अमाउंट आपका था 3800 शेयर पे हमने सारा कैलकुलेशन करे, तो ये आपको सॉल्व करना है, लेकिन किसी के दिमाग में आ सकता है तो मैंने आपको बताया, ओके, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ओके ओके, तो ये आप लिख लेंगे बेटा, लिखे। चलिए अब आ जाओ आप यहाँ पे, ये आपका है वर्किंग नोट नंबर 2 से। अब वर्किंग नोट नंबर 2 से आए, अब वहाँ पे लिख लो कि 2000 इक्विटी शेयर्स को आप रिफंड करो 10, तो ये 20,000 रुपये। 1800 इक्विटी शेयर्स ये 10, तो ये आएगा आपका 18,000, टोटल कम 38। ओके देखो ये ना आरटीपी का क्वेश्चन है मई 2019। हर तरह से मैं हर जगह पे देखता हूँ बेटा कि कुछ न्यू चीज आई। कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपने कोई नए तरह के क्वेश्चन अगर आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल में या आरटीपी में आए तो उसको करना जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्जामिनेशन के पहले एक बार। और ये बात तो सही है, आप सीए कर रहे हो, तो अगर मैं आपको बोलूँ देखो मैं पास एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट एटलीस्ट आई कैन से एटलीस्ट मोर देन 90% इट विल बी कम फ्रॉम माई बुक ऑनली। एटलीस्ट 90% का पेपर वहीं का आएगा, कभी कभी 100% बुक से रहता है। लेकिन आप सीए के एग्जाम दे रहे हो बेटा, कभी कुछ चेंज वो कर सकते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन। तो आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए, मीनिंग निकालना आना चाहिए और करना। तो वो 5-10% तो वहां पर रहेंगे ही, लेकिन बेटा वो 5-10% भी ऐसा नहीं कि छूटो, वो आपको लॉजिक समझेंगे तो आप बराबर वहां पे भी कर लोगे। लेकिन मैं एग्जामिनेशन के पहले कुछ अलग तरह के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, तो आरटीपी के क्वेश्चन भी देखता हूँ, सिमिलर रहे तो इट्स ओके, उसमें कुछ नहीं एक जैसे, लेकिन कभी कुछ अलग दिखा तो फिर उसको मिस नहीं करा। उसको हमारा काम है प्रॉपर पहले एक बार देख लेना, एग्जामिनेशन के पहले हमने देखना। और आरटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आरटीपी जो आती है आपकी, तो उसमें कई बार एग्जामिनेशन में उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके एक बार आरटीपी में से मैं तो आरटीपी नोट्स में कवर करता हूँ, एक बार गो थ्रू करे, आपको वैसी क्वेश्चन दिखे तो इट्स ओके। आपके अटेम्प्ट की याद रखना, आपके अटेम्प्ट की जो आरटीपी आएंगे लेना, आपने गो थ्रू करा। आई चैलेंज 90% एज इट इज, 95% आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो पूरा आप नोट्स के, 5% एक आध क्वेश्चन कहीं हो सकता है थोड़ा सा अलग है, तो आपने देख लिया कि क्या लॉजिक इसके पीछे का क्या हो रहा है आपका, ठीक है। यह हो सकता है आपको भी 100% आपको वैसे के वैसे जो नोट्स के वैसा ही वहां पे दिखे। Now I am coming to question number 12. Okay, जून 2009 में आया था। अभी जून क्यों आया होगा, अब आप जब सेंट्रल के इलेक्शन होते हैं ना 19 में आया, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते अपना 2009 देन 14 फिर 2019 में इलेक्शन हुए थे, तो उस वजह से मई में अटेम्प्ट नहीं हो पाता, तो फिर वो जून में आ जाता है, ठीक है ओके, इसलिए जून 2009 लिखा हुआ है वो। ये मेरी स्टूडेंट लाइफ याद दिलाता है ना इस टाइम। आई वाज अ स्टूडेंट इन 2009, आई बिकेम सीए इन 2011, तो 2011 में सीए बना। लेकिन बहुत अच्छी लाइफ रहती है आर्टिकलशिप की, ये सब की, अच्छे से पढ़ो, इंटर अच्छे से पास करो। एंड आई सजेस्ट कि बोथ ग्रुप ही मतलब आर्टिकलशिप शुरू होती है, तो अगर दोनों ग्रुप निकल जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि फिर आपको बर्डन नहीं रहता कि फिर आप लीव लो फिर एग्जाम फिर पढ़ाई करो उसकी। इट्स बेटर टू क्लियर बोथ ग्रुप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, एंड देन अपीयर फॉर, फिर आप आर्टिकलशिप में जाओ। तो अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस हो तो मैंने तो आर्टिकलशिप अपनी बहुत इन्जॉय किया। आई डिड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम पुणे, तो पुणे से किया हूँ, तो बहुत अच्छा रहता था बेटा कि पुणे से जब आर्टिकलशिप किया तो वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ में ऑडिट के लिए जाता था। लेकिन कैसा था, हमारे वक्त में P2 बोलते थे उसको, उस वक्त में हम CA इंटर नहीं, इसको P2 के नाम से बुलाया जाता था। P1 इस CA फाउंडेशन, P2 इस CA इंटरमीडिएट, फाइनल को फाइनली कहते थे। तो P2 था, तो वो P2 के बोध ग्रुप निकले बाद ही आर्टिकलशिप शुरू होती थी उस वक्त, तो फिर बोध ग्रुप में क्लियर किया, उसके बाद ही फिर आर्टिकलशिप शुरू होती थी। तो आर्टिकलशिप में बर्डन नहीं रहता था कि अपने को अभी इंटर का पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना, फाइनल रहता और फाइनल को भी टाइम रहता था थोड़ा। तो फर्स्ट ईयर तो आर्टिकलशिप का बहुत अच्छा रहता था, क्या अब आर्टिकलशिप जॉब पढ़ाई नहीं रहती थी, घर पर आके जाता कि फाइनल का पढ़ना है, उसको थोड़ा टाइम रहता, ब्रेक रहता था। और आप बहुत खुश रहते हो, हमारा इंटर हो गया फाइनल में है, तो आप आर्टिकलशिप भी जा रहे हो। अगर आप अच्छी जगह आर्टिकलशिप करो यू विल गेट द सो मच, आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छी कंपनीज़ का एक्सपीरियंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे, और लाइफ भी। इफ यू अगर आप अच्छी जगह आर्टिकलशिप यू विल गेट द डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड एज वेल, तो आपको एक डिसेंट अमाउंट स्टाइपेंड का भी मिलता है। तो आप अपनी माँ पे अगर कोई अपने शहर से छोड़ के आप कोई और शहर में आर्टिकलशिप कर रहे हो, सो आपको एक डिसेंट अमाउंट मिलता है कि आप उस पैसों से अपना, नॉट ट्यूशन फीस तो नहीं कहना चाहिए मैंने, लेकिन आप थोड़ा बहुत वहाँ पे अपना एंजॉय कर सकते हो, फैमिली से भी थोड़ा पैसा आता है। लेकिन अच्छी जगह आर्टिकलशिप का तो पैसा भी आता है। अब मैं मेरा एक्सपीरियंस बता दो, मेरा क्या था, मैं घर पे सबसे छोटा था, मेरे एक बड़े भाई है, वो व्हेन आई वाज इन पुणे, तो मैं पढ़ रहा था उस वक्त, वो भी पुणे में थे, अभी वो कहीं और रहते, तो वो पुणे में थे। तो वो इन्फोसिस में जॉब करते थे। अब वो जॉब करते थे तो वो, मैं छोटा भाई था घर पे, सबसे छोटा हूँ मैं, तो छोटा भाई था तो वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। तो वो मेरे को बोलते थे कि जुबैर को, वो जॉब करते थे तो वो अच्छा अर्न करते थे तो मुझको भी देते थे, ये ले पैसे रख अपने पास, तो वो भी मेरे को देते थे और मेरा स्टाइपेंड भी आता था वहाँ पे अच्छा, और मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे वो, हम लोग साथ में रहते तो उन्होंने मेरा बहुत किए भी, तो वो भी देते थे और मेरा स्टाइपेंड भी आता। तो वो लाइफ वो बहुत बहुत ही अच्छा पीरियड रहता है आपका, तो जब आप थोड़ा सा इन्जॉय भी करते हो। फिर मैं आई वॉज इन पुणे, सॉरी मैंने ये आर्टिकलशिप माँ से, तो उस वक्त मैं पुणे में था मैं, तो बहुत अच्छी लाइफ रहती है उस वक्त कि आप स्टाइपेंड भी मिलता है आपको, आप आर्टिकलशिप में भी जाते हो, सीखने भी मिलता है। और मैं जहाँ आर्टिकलशिप के वहाँ पे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे होता था, सैटरडे नहीं होता था, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट थे सर के सारे मल्टीनेशनल कंपनी, तो जनरली आप देखोगे वहाँ कल्चर होता है मंडे टू फ्राइडे का, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो क्लाइंट प्लेस सैटरडे ऑफ रहता, तो सर ये नहीं बोलते थे कि आप चलो अपने ऑफिस आ जाओ वहाँ पे करो, सर बोलते थे मंडे टू फ्राइडे काम करो, सैटरडे संडे आपको ऑफ। तो मेरे को 2 दिन का ऑफ मिलता था, फिर सैटरडे संडे में थोड़ा सा इधर उधर इंजॉय करते थे। नियर अगर आप पुणे के आसपास देखो तो बहुत अच्छी जगह है वो, आसपास भी आपको घूमने को बहुत सी जगह है। तो फिर हम लोनावाला, खंडाला है ना, अलीबाग, वहाँ पे बस, तो वो बहुत अच्छा पीरियड रहता है। बेटा आप भी बहुत मेहनत करो, अच्छी जगह से आर्टिकलशिप करना और फाइनल के साथ में तैयारी भी करते जाना, ठीक है। अब इतनी खुशी होती कई स्टूडेंट जिनको मैं पहले पढ़ा, ना दीपिका में चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलने आते थे, तो ये होता है लाइफ में। बट यू हैव टू रियली वर्क सो हार्ड, मेहनत बहुत करना है, सच कह रहा है। देखो शार्प, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड और मेरिटोरियस है, इट्स गुड आप मेरिटोरियस हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप रैंक लाओ, बिल्कुल आप मेहनत करो, रैंक का ही एम करो। लेकिन बेटा कैसा होता है कि आप, हर कोई तो रैंक नहीं लाता, 1% लोग रैंक लाते हैं, मैं नहीं कहता, आप भी रैंक लाओ, आप भी मेहनत करो रैंक लाने के लिए, और आप बिल्कुल ला सकते हो। लेकिन हकीकत ये कि 1% भी, मैं ज़्यादा बोल रहा, कुछ पॉइंट में लोग रैंकर्स रहते, लेकिन बाकी लोग बेटा, इसीलिए ये बाकी लोग, आप भी रैंक ला सकते हो। और फिर जो बाकी लोगों का क्या, तो वो लोगों का कैसा होता है कि इट्स ऑल अबाउट द हार्ड वर्क, आप स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। मैं हमेशा कहता हूँ जब पढ़ा तो अब ये फॉर्मेट ही सब पे ध्यान मत दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, आप इसको हार्ड वर्क बहुत करो और यू विल बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिलीव मी। आप जितने भी सुनते हो ना सी ऐसा होता है वैसा होता है, इतना टफ होता है, पास नहीं होता है, आप अपनी मेहनत पे भरोसा करो। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं सीए करने आया तो उसके पहले मुझको मेरे रिलेटिव, अब अफवाहें तो बहुत रहती, लोग अलग अलग बातें करते, तो मेरे एक रिलेटिव थे, बोले सीए कर रहा है, मैं सीए कर रहा हूँ, उनको पता नहीं किसने बता दिया था, मेरे को भी बड़ी हंसी आई थी, अभी भी हंसी आती हो सोच के। तो उन्होंने बोले कि सीए में तो पास ही नहीं होते, तो मतलब कैसे, तो बोले वो क्या करते, बड़ी अजीब सी बात उन्होंने बोलते, ये सब अफवाह है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले उस जमाने में बोलते, मैं आपको 15 साल पुरानी बता रहा हूँ, 2005 की बात बता रहा हूँ, वो बोलते थे कि जो बच्चे पास भी हो गए, मतलब उन्हें पेपर चेक करे, जो बच्चे पास भी हो गए ऐसे टेबल रखते थे, ये बहुत ही अजीब सी बात है, टेबल रखते थे और वो फैन ऑन रहता था, पेपर फेंकते थे, जिसका टेबल पे गिरा उसको पास, जिसका नीचे गिर गया वो फेल मिला। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अफवाह, ऐसा अजीब सी बातें मार्केट में करते। इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, आप हार्ड वर्क करो, बिलीव मी यू विल बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड आई डोंट नो अबाउट यू कि आपको कितना अटैम्प्ट लगे, ये शायद आपको एक अटैम्प्ट लग चुका है, फाउंडेशन में कितना लगता है, मैं तो चाहूँगा कि आप फर्स्ट स्ट्रोक में बिल्कुल पास हो बेटा। लेकिन लाइफ में कभी कैसा होता है कि आप हमेशा अच्छा स्कोर लाओ, पास हो, बहुत अच्छे से फाइनल में जाओ, वहाँ पे भी एक अटेम्प्ट में निकलो। लेकिन लाइफ में कभी फेलियर आया ना तो ऐसा नर्वस नहीं होना, यानी इंसान है, अगर मैं भी कभी फेलियर देखूँ तो मेरे को भी थोड़ा सा, इंसान है ना अपन, तो नर्वस होता ही इंसान। लेकिन हार्ड वर्क करना, ये वक्त जो रहता है ना, ये वक्त चले जाता है आपका। मैं बोलूँ तो ये वक्त मेरा भी था, मैं भी स्टूडेंट था, वो वक्त में मैंने भी हार्ड वर्क किया, मेहनत किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, डटे रहना, मेहनत, स्मार्ट वर्क करना, आप बहुत अच्छा शाइन करोगे, आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। अगर मैं कहूँ तो मैं तो इन माई स्कूल लाइफ, आप फ्रॉम 11th मैं हमेशा टॉप किया, टॉप 3 में ही रहा हूँ बेटा। लेकिन जब अगर मैं कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा, लेकिन अगर मैं 10 तक की बात करूँ, टॉप 3 मतलब कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, नॉट AIR इन टॉप 3, आई वाज एवरेज स्टूडेंट, लेकिन मैंने हार्ड वर्क बहुत किया, बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो मैं स्कूल लाइफ में रहा तो मैं कभी भी बहुत शार्प स्टूडेंट नहीं रहा स्कूल लाइफ का, मैं कहूँ तो। मगर कैसा था कि स्कूल लाइफ में मैंने कभी ये नहीं बोला सीए करते हो कि यार स्कूल लाइफ में तो अपन बहुत शार्प नहीं थे, अपन तो मस्ती करते थे, अपना क्रिकेट खेलने में समय चले जाता था मेरा, घर से निकलते थे, कोचिंग सेंटर पहुँचते नहीं थे, स्टेडियम पहुँचते थे, स्टेडियम में क्रिकेट खेलते थे, वापस आ जाते थे। यही किया स्कूल लाइफ तक के बेटा। लेकिन मैंने कभी सीए करते हुए ये नहीं सोचा यार अपना 10 तक का अच्छा बैकग्राउंड नहीं, अपन अच्छे से पढ़े नहीं, अपन बहुत मस्ती करे। मैं बहुत ही मेहनती हुआ आफ्टर द 10th एग्जामिनेशन। उसके बाद मेहनत किया था ना, बिकम में फिर 12 के बाद सीए था ना, बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कैसा होता है कि आपका पास्ट अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, बुरा है तो भी कोई बात नहीं है, अभी आप मेहनत करो, यू कैन बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, और आपको लाइफ में कोई नहीं पूछेगा बताओ बताओ बताओ। ये तो हम सोसाइटी में प्रेशर डाला जाता है हमको, जैसे आपको बेवकूफ़ बनाया गया, मुझे भी बेवकूफ़ बनाया गया। क्या जब हम छोटे थे, ठीक है, अभी क्या बोलते थे जब हम छोटे रहते थे तो पेरेंट पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अभी नहीं पढ़ोगे क्या करो। 10 में बोला जाता था चलो पढ़ो। अभी मेरे को बताओ स्कूल के परसेंटेज अपन बड़ा प्राउड फील करते थे। मैं तो कभी प्राउड फील कर नहीं पाया क्योंकि मैंने कुछ बहुत अच्छा किया नहीं, स्कूल में मस्ती करता था। लेकिन बेटा उसकी कोई अहमियत है कि अभी नहीं पूछता ना कोई, कभी नहीं पूछता कोई आपको वो स्कूल के परसेंटेज। कौन पूछ रहा है आपको, अभी क्या परफॉर्म करोगे ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी हार्ड वर्क करो, ये आपकी जिंदगी बनाएगा। अभी कोई नहीं पूछने वाला बताओ बताओ फोर्थ स्टैंडर्ड में साइंस में कितने, फिजिक्स में कितने। अरे कौन पूछ रहा फोर्थ का आपको, फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड कोई नहीं पूछ रहा आपको। अभी आप क्या करोगे यही आपकी लाइफ बनेगा। तो अभी बहुत मेहनत आपको करना है। ओके, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। So from the data relating to a company which went into voluntary liquidation, you are required to prepare the liquidator's final statement of account, cash with liquidators after all assets are realized, and secured creditor and debenture holder are paid is ₹7,50,000। मतलब जो कैश जो अवेलेबल हमने सारी एसेट रियलाइज हुई, उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर दो चीज पे हो चुकी है तो ₹7,50,000 बचा हुआ है। ठीक है, तो दो चीज पे हो चुकी है, उसका अमाउंट बताया नहीं लेकिन पे हो गया है। एक तो सिक्योर्ड क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर पे हो चुका है और 7,50,000 हमारे पास बचे हुए। फिर हमने देखे कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर टू बी पेड। अब आप ऐसा दिल पे मत लेना कि सर अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर टू, अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर टू बी पेड है तो आप दिल पे मत लेना डिबेंचर होल्डर को कैसे पे किया, उसने बोला पे करा तो पे कर दिया। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर टू बी पेड ₹35,000, अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ₹2,30,000, 5,000 10% प्रेफरेंशियल ऑफ ₹100 इच फुल्ली पेड, 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इच, ₹75 पर शेयर पेड अप। Now 7,000 equity shares of ₹100 each, ₹60 per share paid up। ठीक है, अब यहाँ पे फिर उसके बाद liquidators remuneration is 2% on payment to preferential and other unsecured creditors। Okay, तो हमको liquidator statement of account बनाना है। सिंपल है बेटा, तो अपन सबसे पहले इतना कैश अवेलेबल है 7,50,000 और आपने सिक्योर्ड क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर पे करे, फिर अपन दे रेम्यूनरेशन पे करेंगे, कुछ एक्सपेंस रहे तो वो देंगे, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आएगा, फिर उसके बाद डिबेंचर होल्डर तो पे हो चुका है, फिर अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर प्रेफरेंशियल होल्डर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर, फिर देखेंगे कैश वैश कुछ कम गया है तो दिखने में सिंपल लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन इसमें कंसेप्ट आने वाला नया, उस पर मुझे बात करना है। ठीक है, चलो अब आप ड्रॉ करें यहाँ पे। लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डेट दी हुई हमको नहीं दी। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो आप 10-12 लाइन का। रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट, ओके, इसको 10-12 लाइन का ड्रॉ करो। ओके, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे टू कैश बैलेंस। अभी कैश का बैलेंस ओपनिंग ये सब ऐसा कुछ बताया नहीं है, एसेट रियलाइज इंडिविजुअली एसेट वाइज भी नहीं लिखा है, बस उसने बोला कि 7,50,000 रुपये आपके बचे हुए। तो ये कहाँ से है बेटा 7,50,000 रुपये? वो एसेट बेचे के कुछ ओपनिंग बैलेंस होंगे, लेकिन इसमें से आपने ऑलरेडी, मैं लिख देता हूँ आफ्टर, आप भी लिख लेना आफ्टर पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर, उसकी पेमेंट के बाद इतना बचा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद भी अपन किसकी पेमेंट करते बेटा? इनकी पेमेंट के बाद सबसे पहले सिक्योर क्रेडिटर, तो पे हो गया। उसके बाद कौन आता है फिर, नहीं सॉरी, सिक्योर क्रेडिटर यस, लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन। तो यहाँ लिखो बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। अब लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन देखते हैं बेटा कितना है आपका। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन की बात अगर अपन करें, यहाँ पे कुछ बोला इसने, हाँ, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन इज 2% पेमेंट टू प्रेफरेंशियल एंड अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो मैं जब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करूंगा और अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करूंगा तो जब पता चलेगा कितना, तो यहाँ पे 2-3-4 लाइन का अपनी स्पेस रखना। उसके बाद फिर आप बोलेंगे ठीक है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, वो क्वेश्चन में नहीं दिया, छोड़ दो। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करेंगे, बात प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करना है, क्वेश्चन में कुछ बताया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, हाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपके 35,000, तो मैंने यहां पे लिखा 35,000। अब इसका 2% रेम्यूनरेशन देना, तो यहां पे लिखो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, 700 आना चाहिए, 700 ठीक है। उसके बाद फिर आता है डिबेंचर होल्डर का नंबर, वो तो डिबेंचर होल्डर ऑलरेडी पे है, बताया आफ्टर पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर डिबेंचर उसको ऑलरेडी पे है। उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने क्वेश्चन में, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आपके हैं 2,30,000, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2,30,000 ओके। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद अच्छा इस पे भी रेम्यूनरेशन, इसकी पेमेंट की अमाउंट 2,30,000 का 2%, 4,600, बस ये दो चीज पे बोला, प्लस यहाँ पे बाहर लिख दो 5,300 ओके। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद किसका नंबर आता है, प्रेफरेंशियल होल्डर। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, ये जो आपका नया इस क्वेश्चन में जो आपको सीखनी चीज थी ना, ये हम बोलना चाह रहे थे आपको। जरा देखो अपना टोटल कैश कितना था बेटा, 7,50,000, कैलसी लो हाथ में, टाइप करो 7,50,000 माइनस आपने 5,300 रेम्यूनरेशन दी, प्लस 35,000 ये, प्लस आपने 2,30,000, कितना कैश दिख रहा है आपके पास, कितना आ रहा है वहाँ पे दिख रहा है आपको, कैश अवेलेबल है 4,79,700, इतना दिख रहा होगा अभी कैश अवेलेबल, हाँ और ना, हाँ। अब बताओ 4,79,700 हमेशा क्या होता था, हमने जितने भी क्वेश्चंस पहले करे इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट के वक्त पैसा कम जाता था, लेकिन यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट तो छोड़ो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने के, 5,000 शेयर से 100 रुपए का अगर फुल्ली पेड है पे, तो 5,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, ये आता है 5,00,000, तो 5,00,000 रुपए आता है, 5,000 शेयर से 100 रुपए का है, कितना है वो 5,00,000। अब मेरे को बताओ 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज फुल्ली पेड 5,00,000, तो मैं 5,00,000 इक्विटी शेयर, तो बोलेंगे भैया इक्विटी शेयर होल्डर को छोड़ो, उनके तो पैसा दे ही नहीं पा रहे अपन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी नहीं दे पा रहे, 5,00,000 देना अपने पास है 4,79,700, मतलब तो मेरे को देना उनको है 5,00,000 है अवेलेबल 4,79,700, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पेमेंट करने के लिए 20,300 रुपए कैश कम जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए भी 20,300 रुपए का कैश कम जा रहा है। तो अब मैं क्या करूं, क्या मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो कम जा रहा है 20,300, तो क्या वो मैं इक्विटी शेयर होल्डर से बुला सकता हूँ, द आंसर इज यस। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पेमेंट के लिए कम जा रहा था, आप इक्विटी शेयर होल्डर से कंपनीज एक्ट के हिसाब से बुला सकते हो, लेकिन कितना मैक्सिमम उनकी फुल्ली पेड अप जो उनकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू 100 है तो मैक्सिमम 100 तक बुला सकते। अब 100 में से इसने 75 दिया, इसने 100 में से 60, अब मैंने बोला 20,300 रुपये किससे बुलाओ, इससे बुलाया तो बोले सर उससे बुलाओ, उसने तो 60 ही दिया है, इससे बुलाया तो उसने बोला हमने कुछ तो दिया, थोड़ा उनसे भी बुलाओ। मैंने बोला क्यों, क्या बोल रहे हो, दोनों एक काम करते अपन अपना कैलकुलेशन करते लॉस पर शेयर कितना हो रहा है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे अलग होगा, वो मैं आपको सिखाता हूँ। लॉस पर शेयर होता है, उसके हिसाब से देखते बेटा अपन के कितना रिफंड है अपना और कितना किससे कितना बुलाना है, कितना पेडअप है, कितना लॉस पर शेयर है, और कॉल और रिफंड का कैलकुलेशन वहाँ पे करते हैं। लेकिन अपने पास जा कितना कम रहा है, अपने पास ये 5 लाख इनको पे करना है, जा कम रहा है 20,300 रुपये शॉर्ट जा रहा है। तो ये अपन उनसे बुलाएंगे, अब किससे कितना बुलाना है वो हम वही टेबल से हमको पता चलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होगा, वो भी आप समझ जाओगे क्योंकि लॉजिक है, लॉजिक बहुत लगाओ और आपको समझ में आएगा। तो इसके बाद ज़्यादा स्पेस इसके 4-5 लाइन का स्पेस लगाओ, 4-5 लाइन भी बहुत बड़ा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब इसके बाद आप आओ, लिखिए वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ लॉस पर इक्विटी शेयर। ठीक है, लॉस पर इक्विटी शेयर। अब मैं आपको सिखाता हूं क्यों, कैसे कैलकुलेशन होगा। अब देखो यहां पे टोटल पेड अप कैपिटल, या ऐसा लिखो टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल, इक्विटी पेड अप कैपिटल। ये तो उनका इतना टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल ये हो रहा है बेटा। ठीक है, इसके अलावा अपने को ये है बेटा। अब उसके अलावा क्या चीज हो रही है यहाँ पे कि अपने को प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी यहाँ पे लिखूंगा मैं। टोटल आप लिखो, मैं समझाता हूँ, लिखो पहले टोटल प्रेफरेंस शेयर्स पेड अप कैपिटल माइनस कैश अवेलेबल। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग क्यों हो रहा है कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स को भी पैसा देने नहीं था। अब इसका लॉजिक भी बताता हूँ मैं आपको। टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल कितना था बेटा, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 75, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 60। तो मैंने बोला भाई 7,000 मल्टीप्लाई बाय 75 ये पेड अप था इक्विटी, प्लस उसके बाद कितना था भाई, अच्छा 3,075 था, ये कितना था 60 था। ठीक है, अब एक मिनट रुको, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 75 प्लस 7,000 मल्टीप्लाई बाय 60, इतना मेरे को इक्विटी शेयर्स को देना था। तो 7,000, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 75 और 7,000 मल्टीप्लाई बाय 60, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 75 प्लस 7,000 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो रहा है आपका 6 लाख। इस वीक में ये ठीक है, पहले सारा 6,45,000 इक्विटी शेयर होल्डर को देना था, वो तो मैं दे ही नहीं सकता, है ही नहीं पैसा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है बेटा, 5 लाख रुपए दिए ना, 5,000 शेयर्स थे, 100 रुपये का एक, ये 5 लाख। कैश अवेलेबल कितनी, 4,79,700, 4,79,700। ठीक है, अभी क्या हो रहा है बेटा, अभी पहले कैलकुलेशन समझ लो। टोटल मेरे को इक्विटी शेयर, अरे अच्छा यहाँ पे मैं लिखा ही नहीं, सॉरी, जस्ट 1 मिनट, माइनस कैश अवेलेबल। थोड़ा सा पेशेंस रखना, सारी चीजें समझा के दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ये लिखना भूल गया था, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब लॉजिक समझना, ये 10,000 है। अब लॉजिक समझना ऐसा कैलकुलेशन क्यों है प्रेफरेंस शेयर्स का भी। मैं कहता हूँ इक्विटी इसकी दोनों का कैलकुलेशन करो, ये मैंने किया 6,45,000 आ रहा है। तो मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को बोला भाई तुम तो भूल जाओ, 6,45,000 तो आपको मिलने वाला है नहीं, तुम 1 रुपये नहीं मिलेगा, पैसा ही नहीं है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5 लाख देना है, तो इनको देना है 6,45,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5 लाख देना है, ऐड करो 11,45,000 है, मगर कैश अवेलेबल है 4,79,700, तो वो आ रहा है आपका 6,65,300। आप समझ लें कैलकुलेशन। तो देखो मैं बताता हूँ, ये था आपका 6,45,000, पहले ये तो सुन लो फिर बाद में लिखना आपने, प्लस ये है आपका 5 लाख माइनस 4,79,700 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 10,000। ठीक है, अब देखो इतना इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, मैंने बोला भाई साहब ये तो तुम्हारा नुकसान है क्योंकि तुम्हारे लिए तो पैसे ही नहीं बचे, ये तो तुम्हारा नुकसान है ही। साथ में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5 लाख देना, अवेलेबल है 4,79,700। तो मैंने बोला 5 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना, अवेलेबल है 4,79,700। तो ये दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालो, ये दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालो बेटा, तो ये कितना आता है? वो आता है 20,300। मतलब मैंने बोला ये तो तुम्हारे डूबे डूबे 6,45,000 मैं नहीं दे सकता, पैसा नहीं है। उसके अलावा जो इसको पेमेंट देने के लिए कम जा रहा है 20,300, वो भी मैं तुमसे लूंगा। तो तुम्हारे 6,45,000 का नुकसान तो है ही है। साथ में जो 20,300, दोनों का डिफरेंस देखा, 20,300 रुपए जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कम देने के लिए जा रहा है वो भी तुमको देना है। तो 20,300 तो क्या हम उनसे बुला सकते हैं? बिल्कुल बुला सकते हैं, ठीक है। तो 20,300 रुपए जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कम जा रहे देने के लिए, तो वो भी हम आपसे बुला रहे। तो टोटल नुकसान इनका 6,45,000 तो हुआ ही हुआ। साथ में बेटा आपका 20,300 रुपए जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कम जा रहा है देने, वो भी हम उनसे बुलाएंगे, ठीक है। अब आप ये कैलकुलेशन समझोगे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे टेबल में करूँ, मैंने बोला ये टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैश अवेलेबल उसको देने उतना है। तो टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 5 लाख का, कैश अवेलेबल था 4,79,700। तो जो 20,300 रुपए का डिफरेंस आ रहा है उतने का, मतलब आपको वो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो कम हो जा रहा है वो भी मैं इक्विटी शेयर होल्डर से बुलाऊंगा। तो ये तो नुकसान है ही है। साथ में जो 20,300 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पे नहीं कर पा रहे, वो भी हम आपसे बुलाएंगे। तो उनका वो भी नुकसान इनको बेयर करना पड़ेगा। तो ये 6,45,000 प्लस वो 20,300, तो इनका टोटल नुकसान कितने का हो गया? इनका इक्विटी शेयर होल्डर का यहाँ पे इनका हो गया 6,65,300, 6,65,300, ठीक है। टोटल कितने शेयर थे आपके? 10,000। तो उनको वो भी लॉस बेयर करना पड़ रहा है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कम जा रहा है। 66.53 पर शेयर आपका लॉस पर शेयर, दिस इज लॉस पर शेयर। तो लॉस पर शेयर इज 66.53 जो कि इक्विटी शेयर होल्डर को बेयर करना है। तो 6,45,000 देखते उनका ही पेड अप कैपिटल, वो तो नहीं दे पा रहे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कम जा रहे वो भी हम इक्विटी से बुलाएंगे। तो टोटल लॉस उनको जो बेयर करना पड़ा 6,65,300, ठीक है। इस क्वेश्चन में नई चीज थी क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसे कम जा रहे थे। समझ में आई चीज आपको? तो वो एक अलग चीज, ये तो लॉस है ही, ऊपर से जो कम जा रहा है वो भी हमको इक्विटी शेयर होल्डर से लेना रहेगा। ओके, अब अपने को टेबल बनाना पड़ेगा कि किससे कितना बुलाना। ओके, लिख लो आप इसको, लॉस पर शेयर 66.53। अब वो अपन टेबल बनाएंगे बेटा, किससे कितना बुलाना है, किससे कौन से इक्विटी शेयर होल्डर से कितना बुलाना है, कितना उसको देना है। ओके, ठीक है। अब लिखो, इसके बाद लिखे था आपने। ओके, चलिए। अब उसके बाद अगर नहीं लिखे तो वीडियो पॉज कर लेना। उसके बाद सेकेंड वर्किंग नोट, टेबल ऑफ कॉल और रिफंड कैलकुलेशन, टेबल ऑफ कॉल और रिफंड कैलकुलेशन। ओके, उसके बाद टाइप, फेस वैल्यू, पेड अप, लॉस, कॉल, रिफंड, नंबर ऑफ शेयर्स और यहाँ पे टोटल। ओके, ओके, इसको ड्रॉ करेंगे आप। okay. लिखेंगे बेटा आप यहाँ पे आप कैटेगरी ए बी फेस वैल्यू 100 ये पेड अप दिया 75 ये दिया 60। अब यहाँ पे लॉस पर शेयर कितना है आपका 66.53। अब कॉल आएगा इसमें, कॉल कैसा होता है देखो, पहले इसमें तो रिफंड है 75 रुपीज आपने पे करे, आपको लॉस बेयर करना 66.53, तो मैंने माइनस कर भी लिया 75 मुझे आपको देना है, उसमें से 66.53 आप लॉस बेयर करूं तो मैंने माइनस किया, ये बच रहा है 8.47 मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आपने शेयर्स कितने रखे हैं यहाँ पे 3000 शेयर्स है इसमें, सो 3000 मल्टीप्लाई बाई 8.47 ये आता है आपका 25,410। ठीक है, अब आपको रिफंड बोलेंगे सर ये क्या बात, तो यहाँ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के लिए कम जा रहा था है ना, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के लिए 20,300 कम जा रहा है, आप इनको रिफंड कर रहे हो। अभी बताता हूँ ना ऐसा क्यों आ रहा है, रिफंड आ रहा है इनको। ठीक है, इतना रिफंड करें। अभी यहाँ नीचे आए भाई हम इनके पास, मैंने बोले 60 रुपीज़ पे करे, मतलब भाई साहब 60 आपने पे करे, आपको लॉस बेयर करना है 66.53, तो 66.53 लॉस बेयर करना है, तो अब आपको मैं 60 में से 66.53 माइनस करूं तो भैया आपने तो ज़्यादा लॉस बेयर कर, तो मैं आपसे पैसा बुलाऊंगा, कितना बुलाऊंगा 6.53। इतना आपने पे किया, इतना आपको बेयर करना, तो ज़्यादा बेयर करना, तो बचा हुआ मैं आपसे बुलाऊंगा 6.53। इन्होंने कितने शेयर्स रखे अपने पास 7000 शेयर होल्डर्स, 7000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 6.53। अब ये देखो 45,710, इसको समझना ये क्या है, ये था रिफंड और ये क्या है कॉल, इतना पैसा मैं बुलाऊंगा, ये कॉल है वो रिफंड है। तो मैंने बोला ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपसे एक कॉल एक रिफंड, नेट में आपसे कितना नेट कॉल कितना हो रहा है बताओ, एक रिफंड एक कॉल है, तो ये कॉल का अमाउंट है, ये रिफंड नहीं है, ये नेट कॉल है, कॉल ज्यादा है, कॉल है 45,710 में आपसे बुलाऊंगा और इक्विटी शेयर होल्डर को जो 25,410 रिफंड करूंगा, तो ये 20,300 रुपए का नेट कॉल आ रहा है, नेट इफेक्ट आ रहा है, मतलब पैसा बुला रहा हूँ एक से 45,710 और मैं रिफंड करूंगा 25,410, तो नेट रिसीव्ड कितना हो रहा है बेटा मेरे को 20,300 बचेगा। तो जो 20,300 रुपए जो बचेगा, तो देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी कम कितना जा रहा था देने के लिए 20,300, तो बराबर वो लॉस पर शेयर से वैसे ही कैलकुलेशन आता है। तो इस क्वेश्चन में आपका पहली बार हुआ है कि रिफंड है और कॉल है, दिस इज द लॉजिक, क्या आपके नेट कॉल कितना, हर क्वेश्चन में रिफंड था सिर्फ, तो रिफंड जा रहा था, तो ये आपका नेट कॉल, एक से बुलाना एक को रिफंड करना, ये नेट कॉल के मतलब नेट अमाउंट नेट इतना रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, नेट कॉल भी आप उसको बोल सकते हैं, ये नेट अमाउंट लेफ्ट आफ्टर पेमेंट टू, अच्छा इतना मन कंफ्यूज, नेट अमाउंट बस इतना लिखो, आफ्टर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर का आप दे भी दोगे 25,410, तो नेट अमाउंट कितना बचेगा 20,300, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए कितना कम जाता है 20,300। तो ये कैलकुलेशन करना जरूरी है लॉस पर शेयर, तो किसी का इनजस्टिस ना हो। ओके, अब आ जाइए आप यहाँ पे इसी लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे, तो यहाँ पे अब आप लिखोगे 5 लाख दे दो सर, कम नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, वो भी उनसे बुलाएंगे ना अपन, ये 5 लाख इनको पूरा दे दो। अब यहाँ पे लिखो टू कॉल 7,000 शेयर्स 6.53 से इनसे बुलाए 45,710, ये आप लिख दो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2। इस क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो आया कि उनको देने के लिए कम जा रहा था, तो कितना कम जा रहा था वो भी इक्विटी शेयर होल्डर बेयर करें, तो हमने वो भी यहाँ पे ऐड करें बाय इक्विटी शेयर होल्डर। रिफंड वाले कितने थे 3,000, 8.47 वर्किंग नोट नंबर 2। देखो 8.47 ओके कितना आता 25,410 25,410 टोटल कर लेंगे। अब आप 7,50,000 प्लस 45,710 जस्ट कम 7,95,710 7,95,710 ओके डन। तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 30। ये भी देखो आरटीपी का क्वेश्चन है मई 2018। अच्छा जो हमने पिछले क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन करे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जो कम जाता है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर बेयर करेंगे। तो ऐसा कैलकुलेशन कब आता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर कोई पेमेंट देने के लिए कम जाता है। तो एग्जामिनेशन बराबर ध्यान रखना वहाँ पे कम कब जा रहा है, हर स्टेज में माइनस करते करते कैलसी में देखते जाना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे कम गया तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर उसको बेयर करेंगे प्रोवाइडेड वो अनपेड अप होना। अच्छा एक और चीज बताता आपको, अगर सपोज यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर फुल्ली पेड अप रहते फिर थोड़ी ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर से बुला सकते थे, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर से बुला सकते थे। अगर इक्विटी शेयर होल्डर फुल्ली पेड अप रहते तो नहीं बुला सकते थे उनसे हम तो फुल्ली। तो फिर आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर फिर जितना कैश अवेलेबल रहता उतना ही दे देते थे अपन, क्योंकि उनसे बुला ही नहीं सकते। मैक्सिमम उनकी जो फेस वैल्यू उतने तक ही बुला सकते अपन, ठीक है। अगर वो फुल्ली पेड अप है मतलब उन्हें पूरा फेस वैल्यू का दे दी तो और उनसे बुला नहीं सकते। ओके The position of Careless Limited on its liquidation is as under 5,010% preference shares of ₹100 each, ₹60 paid up, 2,000 ये एक sentence है यहाँ पे इसको बता 5,010% preference share of ₹100 each, ₹60 paid up। ये दूसरा है फिर 2,000 equity share of ₹75 each, ₹50 paid up। तो यहाँ face value ₹75, ₹50 paid up है। Unsecured creditors 99,000, liquidation expense 1,000। Liquidator is entitled to a commission of 2% on the amount realized from call made on contributories, ठीक है। तो call made on contributories इसको समझना। तो बेटा liquidator को हम 2% कमीशन दे रहे, किस पे कमीशन दे रहे, जो भी contributor से कॉल करेंगे, जो भी हम पैसा बुलाते ना, जो भी पैसा अपन बुलाएंगे उस पे कितने परसेंट देना आपको 2% हमको उसको कमीशन देना। जो भी अपन कॉल कॉन्ट्रीब्यूटर्स मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर से बोल रहा है, जो भी पैसा बुलाएंगे उनको तो उस पर 2% कमीशन देना है, क्योंकि फुल्ली पेड अप नहीं है तो उनसे कुछ कॉल बुलाना पड़ता है। तो देखेंगे अपन कितना बुलाएंगे, अपन उस पर बात करेंगे। इंटरेस्टिंग दिख रहा छोटा सा है वो क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इफ द टोटल एसेट रियलाइज 3,80,400। तो हमारे पास एसेट रियलाइज से कितना बैलेंस है 3,80,400। छोटा सा क्वेश्चन, समय भी ज्यादा नहीं लेगा, लेकिन एक वो जो कमीशन का कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आओ लिखो यहाँ पे लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ केयरलेस लिमिटेड, नाम भी ऐसा केयरलेस लिमिटेड, ठीक है। ज्यादा बड़ा डेट दी है, इसका डेट नहीं दी है, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं बेटा, ये 8-1 लाइन का बस ड्रॉ करना है आपको। रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट ओके ओके चलिए। अब एसेट ड्रॉ करें आपने, नहीं करे होंगे ना, क्योंकि ऐप में मैं आपको ऐप यूज करता हूँ उसमें लाइन ड्रॉ एकदम स्ट्रेट जल्दी से हो जाती है। आप तो स्केल लेते होंगे फिर ड्रॉ करते हैं, उसमें समय नहीं। लड़कों पे तो भरोसा उस पर तो वो तो बहुत ही क्या लिख रहे हैं उनको तो समझ में भी नहीं आता कई बार, ठीक है। गर्ल्स बेचारे अच्छे से लिखती है प्रॉपर, ठीक है, लेकिन उस पर ज़्यादा वक्त मत दो बेटा, ठीक है, जल्दी जल्दी ड्रॉ करा करो। ओके अब देखो तो एसेट रियलाइज से कितना पैसा है ना, एसेट रियलाइज अपना इसने बोला 3,80,400, सो टू एसेट रियलाइज्ड, अब इसको समझते हैं 3,80,400 ये होगी आपकी टू एसेट रियलाइज। अब मतलब पेमेंट शुरू करते देना, तो सबसे पहले आता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्वेश्चन में कोई है नहीं। तो इसके बाद आता है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, सो बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, ठीक है। अब लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन पे मैं आया तो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन पे वो बोलता है 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द कॉल्स मेड ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरी। मैंने बोला भाई कितना कॉल करूंगा, मेरे को क्या पता उससे कितना कॉल करूंगा, वो तो आखिरी में देखूंगा कितनी की जरूरत है कॉल की, वो तो अपन कैलकुलेशन करते, तो वो तो अभी अपने को पता नहीं, तो वो तो बाद में जब आएंगे जितना कॉल करेंगे उस पर 2% कमीशन देंगे, ठीक है। इसके लिए स्पेस रख दो, इस पर एक वर्किंग नोट बनाएंगे अपन, तो वर्किंग नोट नंबर नहीं पता मेरे को, जो भी आएगा मैं लिख दूंगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है लिक्विडेशन एक्सपेंस, क्वेश्चन में दिया लिक्विडेशन एक्सपेंस बेटा, हाँ ये 1,000 दिया लिक्विडेशन एक्सपेंस, तो मैंने यहाँ लिखा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। ये कितना था लिक्विडेशन एक्सपेंस, 1,000 रुपये। फिर इसके बाद आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है नहीं, ठीक है। इसके बाद डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर है नहीं। उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 99,000 बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 99,000, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना बेटा 99,000। अब उसके बाद आते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सो बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो हमेशा आप ना एकदम चौकन्ना रहना कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए पैसा है क्या। 3,80,400 टोटल था आपके पास, आपने 1,000 पे करे प्लस 99,000 ये, तो आपके पास बच रहा है 2,80,400, कितना बच रहा है बेटा 2,80,400 है ना कैश। आप देखो इसमें से वो माइनस करो दो, 2,80,400। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने बेटा आपके 5,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, 100 रुपए का, अच्छा 60 पेड अप है, तो 60 पेड अप है तो उतना ही वापस करेंगे ना, दिए नहीं उससे ज्यादा तो नहीं करेंगे ना, 5,000 है 60 पेड अप है, तो कितना आएगा 3 लाख आ रहा है, ना, यस। अभी 3 लाख आ रहा है बेटा, अभी 3 लाख आ रहा है, मगर मेरे पास कैश कितना अवेलेबल है, कैश अवेलेबल की बात करूं मैं, कैश अवेलेबल, कैश अवेलेबल आप इसमें से अगर इसमें से वो दो आइटम को माइनस करो, तो कैश अवेलेबल इज कमिंग 2,80,400, कितना कैश अवेलेबल है 2,80,400 इज कैश अवेलेबल। लेकिन मेरे को पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना कितना है 3 लाख, 3 लाख रुपए देना है, तो आपका शॉर्टेज जा रहा है, कितने से जा रहा है शॉर्टेज 19,600। तब आप क्या बोलोगे बेटा, अब थोड़ा ये ही थोड़ा सा कैलकुलेशन है। आप अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट देने के लिए अपने पास पैसे कम जाते 20,300, तो वो भी अपन ने इक्विटी शेयर होल्डर से बुलाए थे, नेट इफेक्ट उतना ही आता 20,300। अब आप बोलेंगे सर ये 19,600 कम जा रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर तो गए क्वेश्चन, उनको तो कुछ नहीं मिलने वाला, पैसा ही नहीं है कहाँ से देंगे। लेकिन शॉर्टेज जा रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के लिए 19,600, वो भी हम इक्विटी शेयर होल्डर से बुला सकते बेटा, और भी फुल्ली पेड अपनी एक ही यहाँ पे एक ही कैटेगरी 75 रुपीज का फेस वैल्यू, 50 पेड अप है तो 25 रुपए है अनपेड अप, तो आप बुला सकते हो, तो उससे अपन बुला लेंगे 19,600 रुपये। लेकिन 19,600 रुपये बुलाने से काम नहीं होगा, मेरे को 19,600 से ज्यादा बुलाना पड़ेगा। बोलेंगे आप ऐसा क्यों सर, क्योंकि जो मैं भी कॉल करूंगा बेटा, अगर सपोज आप मेरे इक्विटी शेयर होल्डर, मैंने आपसे 19,600 रुपये बुलाए क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 19,600 देने के लिए कम जा रहे। अब 19,600 रुपये उनको देने के लिए कम जा रहे, तो मैंने आपसे बुलाया और उनको दूंगा, बुला सकते कंपनी डायरेक्ट में, आपको जो अनपेड अप अमाउंट है मैक्सिमम उतना, तो मैंने 19,600 रुपये आपसे बुलाया उनको दिया। लेकिन दिक्कत क्योंकि आपसे आए 19,600 और मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया 19,600, वो लिक्विडेटर बैठा हुआ है घूरते हुए कोने से मेरे को घूरते हुए देख रहा है, भाई साहब मैंने इक्विटी शेयर होल्डर से 19,600 बुलाया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहा हूँ, लेकिन उसमें तो बोला था ना कि 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम कॉल्स मेड ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरी, तो ना बेटा इंटरप्रिटेशन मीनिंग निकालना आना चाहिए। अब इसका मीनिंग निकालो, आप क्या होता है कि 2% मेरे को कमीशन देना है किस पे, मीनिंग निकालो 2% कमीशन लिक्विडेटर को देना है किस पे, क्या मैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहा हूँ उसके 2%? नहीं बेटा, जो पैसा मैं आपसे बुलाऊंगा उसके 2% पे मेरे को कमीशन देना है। तो अंतर समझो दोनों में, तो मैं जो आपसे पैसा बुलाऊंगा उसका 2% मुझे उसको देना रहेगा, है ना। तो सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे बैठे हुए इक्विटी शेयर होल्डर ये सपोज है, उनको देना मेरे को 19,600, लेकिन इनको जो पे कर रहा हूं इसका 2%। आप तो बोल सकते सर 19,600 है, इनको आप 19,600 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दोगे, इसका 2% आता है 392। तो आप बोलेंगे 19,600 प्लस 2% कर लो उसमें, तो आता है 19,992। इनसे 19,992 बुलाओ, हमको हमारे 19,600 दे दो और 2% जो जितना भी आ रहा है, आई थिंक 392 आ रहा है, वो आप दे दो लिक्विडेटर को। लेकिन वो इनको जो पेमेंट करो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका 2% नहीं बोल रहा ना बेटा, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट दे रहा है उसका 2% बोल रहा है क्या? नहीं, वो 2% ये बोल रहा है जो मैं आपसे बुलाऊंगा। अच्छा, तो सपोज मैं आपसे जो भी बुलाऊंगा उसका 2% बोला। तो सपोज मैंने आपसे 100 रुपए बुलाया, कितने रुपए बुलाया बेटा? 100। एग्जाम्पल आपसे 100 बुलाया, इसका 2% मुझे किसको देना है? लिक्विडेटर को। तो आपसे अगर 100 आया, इसका 2% मैं लिक्विडेटर को दूंगा, उसको 2 दूंगा, तो बचा कितना? 98। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना दूंगा? 98। समझना, आपसे 100 बुलाया, ये इनको इसकी पेमेंट का 2% मेरे को लिक्विडेटर को नहीं देना है बेटा, इसकी पेमेंट का लिक्विडेटर को कहता। देखो तीन चीजें मैं आपको लेता हूं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, कमीशन और टोटल। अब मैं आपको बोलता हूं कि मेरे को जो ये 2% मेरे को कमीशन देना है, क्या जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहा हूं मैं उसको देना है क्या? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सॉरी 19,600 नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट तो वैसे सॉरी 3 लाख रुपए, शॉर्टेज जा रहा है 19,600 रुपए, ठीक है। तो मेरे को प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट पे 2% कमीशन नहीं देना है बेटा। तो पेमेंट तो 3 लाख होगी, मैं 19,600 कह रहा था, 19,600 शॉर्टेज है, तो बेसिकली पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 3 लाख है। उसने वो नहीं बोला, जो पैसा मैं आपसे बुलाऊंगा उस पर 2% बोला। तो मैं आपसे कितना पैसा बुला रहा हूँ बेटा? मैं आपसे बुला रहा हूँ 19,600 प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए। तो मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए, देखो ना, इसको थोड़ा सा अपन चेंज करते, कॉल टू बी मेड फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। तो फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसा लिखना चाहिए, फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मैं अगर यहाँ परसेंटेज वाइज बाद में बात करता हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए मेरे को 19,600 रुपये बुलाना है क्योंकि शॉर्टेज जा रहा है, ठीक है। तो 19,600 रुपये का शॉर्टेज जा रहा है, तो मैं आपसे बुला रहा हूँ 19,600, ठीक है। अब अगर मैंने कहा, मगर मैं परसेंटेज वाइज बात करता हूँ, मेरे को कमीशन, तो ये मैं टोटल अमाउंट, टोटल कॉल अमाउंट यहाँ पे आया बेटा, टोटल कॉल अमाउंट, इसको समझो। अब मैंने कहा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए मेरे को 19,600 रुपये बुलाना है, ठीक है। अब कुछ कमीशन के लिए बुलाना है क्योंकि पैसे का, अगर 19,600 आया और दे दिया पूरा तो खत्म हो जाएगा। तो मेरे को कमीशन के लिए भी कुछ पैसा बुलाना है, वो कमीशन 2% है। किसका 2%? जो आपसे पैसा बुला रहा हो। तो टोटल जो आपसे पैसा बुला रहा हो, तो ये कितना हुआ? 100। तो कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए पैसा आपसे बुला रहा हूँ, कुछ कमीशन के लिए आपसे बुला रहा हूँ, और टोटल कॉल अमाउंट आएगा, उतना पैसा टोटल बुलाऊंगा। अभी 2% बोला, किसका बोला बेटा? जो टोटल अमाउंट आपसे बुला रहा हूँ। तो आपसे जो बुला रहा हूँ उसको 100 लेंगे, जिस पे कमीशन कैलकुलेट करते उसको 100 लेना। तो किस पे, किसका 2%? जो आपसे पैसा बुला रहा हूँ, तो वो 100 है। तो बताओ ऊपर क्या होगा? बोलो ऊपर क्या होगा? क्या ऊपर कौन सी होगा परसेंटेज जिसमें 2 करके 100 आएगा? ऐड करके 98 होगा ना, है ना। तो आपसे जब 100 आ रहा है उसका 2% में लिक्विडेटर को दूंगा और 98 इसको दूंगा। तो मेरे को तीनों में से कौन सी फिगर पता है बेटा? 98 पता है ना। ये पता है 19,200। तो कमीशन में निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता। अगर 19,600 98 है तो 2 कितना? 400। तो टोटल मैं आपसे बुलाऊंगा 20,000। तो मैं आपसे 20,000 रुपये टोटल बुलाऊंगा बेटा, और 20,000 में क्या होगा आपका? इसका 2% कितना था? 400। वो मैं दे दूंगा किसको? इक्विटी शेयर लिक्विडेटर को। और 19,600 किस आप कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। आपसे मैं 20,000 बुलाऊंगा, उसका 2% 400 प्रेफरेंस लिक्विडेटर को दूंगा, और 19,600 जो किसको, जो शॉर्टेज जा रहा है, 19,600 जो बच जाएगा। पहले से कैश अवेलेबल है 2,80,400, तो 19,400 में ऐड कर दूंगा, तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 लाख। वो 3 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देंगे। तो ये कैलकुलेट 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम कॉल्स मेड। तो कॉल मेड बोलेंगे सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के लिए कम जा रहा है 19,600, इतना ही बुलाओ। अरे भाई इतना बुलाऊंगा, वो दे दूंगा, तो फिर वो लिक्विडेटर को क्या देंगे? तो उसके लिए भी बुलाना पड़ेगा। तो वो 2% किसका? कॉल मेट। कॉल कितना कर रहा हो बेटा आपसे, ये इतने परसेंट मेरे को लिक्विडेटर को देना है, इतना कॉल कॉल पे। तो कॉल सपोज 100, उसका 2%, तो ये 2 आ गया। तो कितना फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए कितना बचा? 98। तो टोटल कॉल इतना आएगा। तो तीनों में से कौन सी फिगर पता है अपने को? 19,600। तो 19,600 देखो बाजू में कितना, 19,600 अगर 98 है तो 2 कितना 400। तो टोटल अपन कितना बुलाएंगे? 20,000। तो मैं आपसे 20,000 बुलाऊंगा, 400 लिक्विडेटर को दूंगा और 19,600 जो कम जा रहे प्रेफरेंशियल, 19,600 प्रेफरेंशियल होल्डर को ये, और पहले के 2,80,400 वो, तो मिला के उसको टोटल प्रेफरेंशियल होल्डर को 3,00,000 चले जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने ऐसा बोला हूँ लेकिन इसको लिख के बताना पड़ेगा। अभी पेमेंट कम जा रही है, अभी अब पेमेंट कितनी 2,80,400 आ रही है, तो 19,600 कम जा रहा है इसको देने। तो वो तो बुलाना ही बुलाना इक्विटी शेयर होल्डर से, और क्या बुलाना बेटा अपने को? वो कमीशन का भी। ठीक है, अब इस पे वर्किंग नोट, इस पे ज्यादा स्पेस नहीं, बस 2-3 लाइन का स्पेस लगेगा। लिखो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। ओके, थोड़ा सा डिटेल में लिखा के देता है इसको। लिखो प्लस कैलकुलेट फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड। सो टोटल मैं पूरा लिखा के देता आपको डिटेल। अमाउंट अवेलेबल 3,80,400 था। अब इसमें से अपन पे करें, आपने लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करें, लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करें, है ना। वो कितना था आपका लिक्विडेशन एक्सपेंस था? 1,000 रुपये पे करें। फिर आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था 99,000। तो कैश अवेलेबल यहां पर आ रहा है 2,80,400। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पे करना है? 3,00,000। तो यहां पे शॉर्टेज जा रहा है 19,600 का। दिस इज शॉर्टेज ऑफ फंड। शॉर्टेज ऑफ फंड, ठीक है। अब इसके नीचे और एक चीज लो, शॉर्टेज ऑफ फंड इतना हो रहा है, लेकिन ये किसके लिए? शॉर्टेज ऑफ फंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ऐसे लिखो। फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के लिए इतने से कम जा रहा है, ठीक है, 19,600। लेकिन यहां पे लिखो बेटा टोटल शॉर्टेज ऑफ फंड इक्वल्स टू 19,600 अगर 98 है, अगर कितने बेटा 98 है तो 100 कितना, ये आएगा आपका 20,000। इसका लॉजिक मैंने बताया 98 क्यों, ये बताया लॉजिक आपको यहाँ पे, क्योंकि 19,600 तो आपका बेटा ये है ना, वो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए कम जा रहा है, लेकिन 2% किसके और जो आपसे बुलाऊंगा, तो आपसे अगर 100 बुलाया उसका 2%, तो 2 लिक्विडेटर को, बचा हुआ 98 किसका? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फिगर मेरे को पता है 19,600, तो 19,600 98 है तो 100 कितना, तो टोटल शॉर्टेज कितना जा रहा है आपका 20,000 से। अब इसमें मैं आप बोलो तो लॉस पर शेयर बना के टेबल भी बना दूं, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही कैटेगरी है ना बेटा, अभी एक ही कैटेगरी यहाँ पे, ये एक ही कैटेगरी है 75 वाली, 50 पेड अप, हर क्वेश्चन में 2 कैटेगरी रहती थी। तो लॉस पर शेयर से हम बता देते किससे कितना निकालना है, इसमें जरूरत नहीं है। अभी आप पहले यहाँ पे अगर मैं 20,000 रुपये मेरे को टोटल बुलाना है तो उतना ही आएगा वो। अभी देखो एक काम करो, पहले इसके नीचे लिखो यहाँ पे रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर, पहले ये लिख लो यहाँ पे 20,000 टोटल बुलाएंगे, इसका 2% कितना आएगा 400 रुपए। तो 20,000 में से 400 लिक्विडेटर को, बचा हुआ 19,600 जो कम जा रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे करने पे करने, उसमें हम ऐड कर देंगे तो बराबर को 3,00,000 चले जाएगा। अब इसमें लॉस पर शेयर बोलेंगे सर आपने तो निकाले नहीं, इसमें सीधा आपने निकाली कि टोटल शॉर्टेज ऑफ फंड है 20,000 रुपये, तो ये उनसे बुला लेंगे। तो अभी देखो मैं आपको इतना खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखो लॉस पर शेयर अगर मैं निकाल भी लूँ, लॉस पर शेयर, अभी कैटेगरी एक ही है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही लोग से बुलाना है, उनसे ही बुलाना है, तो फिर क्यों अपन लॉस पर शेयर फिर इतना कॉल करो, उतना ही आएगा। मैं बताता हूँ, देखो इक्विटी कितना है बेटा, यहाँ पे कितना था देखो, कितने शेयर्स थे, 2000 शेयर्स थे, 50 पेड अप था, ठीक है। सो 2000 शेयर्स 50 रुपीज पेड अप, ये तो उनसे बुलाना ही बुलाना है ना। प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए अपने पास कितना शॉर्टेज जा रहा है, अपने को प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए कितना शॉर्टेज कितना होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए 19,600, ये अपन 19,600 रुपये भी बुलाएंगे, है ना। और फिर अपने को 400 रुपये कम जा रहा है ये रेम्यूनरेशन देने के लिए, तो वो 400 रुपये भी बुलाएंगे उनसे अपन, है ना, ठीक है। अभी बोलेंगे सर कैश अवेलेबल में नेट इफेक्ट ले लिया, देखो अभी उसको कितना जा रहा है, मैं पूरा बताता आपको, इसको कितना जा रहा है यहाँ पे देने के लिए, उसको देना अपने को 3 लाख, 2,80,400 अवेलेबल। तो मैंने बोला ये इक्विटी शेयर होल्डर ये तो है, तो भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए हमारे पास 3 लाख देना है, अवेलेबल है 2,80,400, तो 19,400 भी बुलाएंगे, प्लस 400 रुपये जो रेम्यूनरेशन के लिए कम जा रहा है वो भी बुलाएंगे, ठीक है बेटा। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने, 2000, करो कैलकुलेट, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 50, ये तो उनका नुकसान है ही, उसके बाद प्लस वो 19,600 रुपये का भी उनसे बुलाएंगे, प्लस ये 400, तो टोटल आता है 1,20,000 रुपये, 2,000 रुपये, 2,000 शेयर है, तो कितना आ गया, ₹60 लॉस पर शेयर आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद टेबल में बना भी लूँ, ज़रूरत नहीं इसमें टेबल ऑफ कॉल और रिफंड, मगर बच्चे सोचते तो इसलिए मैं बना दे रहा हूँ, ओके। समझाने बना रहा हूँ ये। अब यहाँ पे ये टाइप इसमें एक ही है ना, फेस वैल्यू, फिर आता है आपका पेड अप, कॉल, रिफंड, कुछ भूले क्या अपन, टाइप, फेस वैल्यू, पेड, हाँ लॉस, सॉरी लॉस, कॉल, रिफंड, शेयर्स, टोटल। अब इसमें एक ही कैटेगरी, तो क्या सोचना, उनसे ही तो 20,000 बुलाना है, तो भी बताता हूँ। फेस वैल्यू थी 75, पेड अप कितना था 50, लॉस कितना है 60, तो 50 पे करे, लॉस बेयर करना है 60, तो कितना कॉल करेंगे उनसे 10, कितने शेयर्स थे 2000, तो कितना है यहाँ पे 20,000, टोटल कितना 20,000, तो वही तो लिखा है बेटा 20,000, टोटल शॉर्टेज ऑफ फंड 20,000, उतना उनसे बुलाएंगे, तो 20,000 है तो एक शेयर 20,000 रुपये बुलाना है, 2,000 शेयर है तो एक शेयर पे 10 रुपये, तो ये 10 रुपये बुलाया अपन ने, लेकिन समझाने लिखा। अभी ये भी समझ लो, यहाँ पे खत्म हो गया है वर्किंग नोट 1-2, ये एक्स्ट्रा आदत है आपको पिछले क्वेश्चन में ऐसे करने की, तो ये भी बताया मैंने, ठीक है। शॉर्टेज आपने निकाले और ये भी बताया आपको। अभी समझना, ये इक्विटी शेयर होल्डर का था जो उसको अपन पे नहीं कर पा रहे, वो उसका एक नुकसान। प्रेफरेंस शेयर को देने के लिए 19,600 कम जा रहा है, वो इक्विटी से बुलाएंगे, वो उसका नुकसान। और वो 400 रुपये जो रेम्यूनरेशन का कम जा रहा है वो भी उससे बुला रहे, तो वो उसका नुकसान। तो टोटल 2,000 शेयर थे, एक शेयर पे 60 रुपये का नुकसान, 50 पेड अप है, 60 का नुकसान, तो 10 रुपये उससे बुला रहे हैं। तो बस वही चीज़ थी। इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, नो प्रॉब्लम, ओके। तो ये जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको आदत है ना, यहाँ समझ कैटेगरी एक ही है ना, यहाँ 2 कैटेगरी रहती ना, फिर देखना पड़ता। अभी कॉल करना एक ही कैटेगरी, तो फिर काय को उसमें से अभी पता है उनसे ही बुलाना है। 2 रहते तो फिर मेरे को देखना पड़ता लॉस पर शेयर कितना है, किससे क्या बुलाना है। आपको इसकी जरूरत नहीं है, नहीं लिखे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये प्रूफ करके दिया कि एक ही कैटेगरी है। 2 रहती तो फिर कैलकुलेशन में होता कि भाई किससे कितना बुलाना है, कम ज्यादा तो नहीं हो रहा, किसी का कॉल आता, किसी का रिफंड भी आ सकता था। एक कॉल करना है, एक ही कैटेगरी, मतलब उनसे बुलाना है, फिर क्यों कैलकुलेट करना, ठीक है। मगर आपको प्रूफ करके दिया 20,000, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हो गया खत्म। देखो अपन यहाँ कॉल कर लो पहले, टू कॉल ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरी, कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा है, ठीक है। 2,000 शेयर्स थे, एक से अपन 10 रुपये बुला रहे हैं, तो ये 20,000 रुपये बुला लिए। इस अब अपने पास बराबर यहाँ पे इसको, इसका वर्किंग नोट नंबर अपन ने रेम्यूनरेशन का कौन सा 2 है, इसको ये 400 चलेगा और इसको 3 लाख। अब बराबर मैच हो गया होगा आपने, क्योंकि बुलाए कितने, आपने बुलाए कितने 20,000 थे, तो आपने 400 हो गया 19,600, तो उसको 19,600 ही कम जा रहा था कैश, 2,80,400 था तो उसमें ऐड हो गया, तो बराबर वो 3,00,000 मास को चले गए। अब आप टोटल कर लो, ये बराबर हो जाएगा 3,80,400 प्लस 20,000 4,00,400 400 प्लस 1,000 प्लस 99,000 प्लस 3,00,000 ओके 4,04,000 ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है बेटा। ये हमने कैलकुलेशन इसलिए करे कि कितने से शॉर्टेज जा रहा था, फिर शॉर्टेज पे हमने देखे, फिर ये शॉर्टेज तो वैसे अपन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया इतने से शॉर्टेज जा रहा था, फिर आपका वो 2% वो भी बुलाया तो कि कैसा कैसा रेम्यूनरेशन का कैलकुलेशन हो। ये तो आपको एडिशनल बोनस आपको बताया गया कि इस तरीके से प्रूफ करके दिया कि एक ही कैटेगरी तो ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आज के सेशन के लिए मैं इतना ही करता हूँ, रिमेनिंग नेक्स्ट सेशन मोस्ट प्रॉब्ली विल बी द लास्ट सेशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।